एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है दूसरे दहशतगर्दों को जन्म लेता है। एक मिलिट्री ऑपरेशन में बेगुनाह बेकसूर लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं, वो बेघर हो जाते हैं। लोग अभी अपने घरों के लिए तरसते, अपने प्यारों के लिए तरस रहे, किसी फॉरेन फंडिंग के लिए, किसी IMF के उसूल के लिए, किसी CPEC के लिए। आप यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। एक मिलिट्री ऑपरेशन हजारों दहशतगर्दों को फिर जन्म देती है। वो लोग जो पुरमन होते हैं वो भी बंदूक उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। दहशतगर्दी का जो गढ़ बनाया गया है, किसने बनाया खैबर पख्तूनख्वा को? किसने खैबर पख्तूनख्वा को एक दहशतगर्दी के लिए गढ़ बनाया है? कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? कौन इसको फैसिलिटेट करता है? कौन इसकी परवरिश करता है? एक के बाद दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन, दूसरे के बाद तीसरा मिलिट्री ऑपरेशन, तीसरे के बाद चौथा मिलिट्री ऑपरेशन, 8 मिलिट्री ऑपरेशन हुई है। लेकिन जो लोग अपोजिशन में होते भी चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन हल नहीं है, लेकिन वही लोग जब हुकूमत में आते, चाहे सूबे में हो चाहे वफाक में हो, वही लोग इस मिलिट्री ऑपरेशन को अप्रूव करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल अज़्म इस्तेहकाम के नाम, क्या मिलिट्री ऑपरेशन इस मसले का हल है? अगर मिलिट्री ऑपरेशन इस मसले का हल है तो पाकिस्तान में इतने बड़े ऑपरेशन कसीर तादाद में फिर क्यों किए गए? मैं ज़रा आप लोगों के साथ पाकिस्तान में अभी तक जितनी मिलिट्री ऑपरेशन की गई उसकी कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि मिलिट्री ऑपरेशन इस मसले का हल है या नहीं। तो सबसे पहले जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था अलमीज़ान, 2002 से 2006 तक मुशर्रफ दौर में ये ऑपरेशन हुआ था। फिर उसके बाद ऑपरेशन राह हक, ये 2007 से 2009 तक हुआ था और ये भी मुशर्रफ दौर में ही हुआ था। फिर उसके बाद शेरदिल, ऑपरेशन शेरदिल जो हुआ था 2008 में, ये भी मुशर्रफ दौर में ही हुआ था। इन्हें सबसे ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशन जो हुई अभी तक ये मुशर्रफ डिक्टेटर के दौर में हुई है। फिर सिरात मुस्तकीम के नाम से एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ 2008 में और ये ऑपरेशन भी मुशर्रफ के दौर में ही हुआ है। इसके अलावा राह रास्त, ये ऑपरेशन हुआ है 2009 में, मिलिट्री ऑपरेशन था और ये पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी वफाक में और सूबे में ANP की गवर्नमेंट थी। इसके अलावा राह निजात एक ऑपरेशन हुआ था मिलिट्री 2009 से लेकर 2010 तक, इस वक्त भी सूबे में ANP की गवर्नमेंट थी और वफाक में PPP की गवर्नमेंट मौजूद थी। इसके अलावा ज़रब अज़ब के ऑपरेशन हुआ मिलिट्री और इस टाइम पे नवाज शरीफ की हुकूमत थी वफाक में, लेकिन सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। यहाँ पे 2014 से लेकर 2017 तक ये मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है। इसके अलावा जो लास्ट में एक ऑपरेशन हुआ है 2017 में, रद्दुल फसाद के नाम से एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है और ये ऑपरेशन इस टाइम पे सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और वफाक में जो है नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो ये अभी तक ये सारे करीबन 7-8 मिलिट्री ऑपरेशंस हुए। तो सवाल ये है, अगर मिलिट्री ऑपरेशन इस मसले का हल है तो एक के बाद एक ऑपरेशन के बाद ये दहशतगर्द क्यों जन्म लेते हैं? कौन जिम्मेदार है इसके? जब आप दहशतगर्दी के खात्मा करते तो ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? कौन इसको रिहाइश देते हैं? कौन उसको फना देता है? कौन इसकी तरबियत करते हैं? बाकी कौन इसको फैसिलिटेट करता है? ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं? ये कोर जो इशू है ये कहाँ एग्जिस्ट करता है और उस मसले को किस तरह हल करना है? क्या हमने कभी उस मसले पे काम किया है या हमने इस चीज़ का अज़म किया है कि एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन करना है? क्या हमें ऑपरेशंस की इसके इम्प्लिकेशंस का पता है कि इसके नतीजे क्या निकलते हैं? एक मिलिट्री ऑपरेशन जो है दूसरे दहशतगर्दों को जन्म लेता है। एक मिलिट्री ऑपरेशन में बेगुनाह बेकसूर लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं, वो बेघर हो जाते हैं। लोग अभी अपने घरों के लिए तरसते, अपने प्यारों के लिए तरस रहे। ठीक है, कुछ MNA साहिबान 70,000 की तादाद बता रहे हैं, लेकिन ये तादाद 80,000 से ज़्यादा 1,00,000 तक तादाद है। 1,00,000 तक शहदा की जाने हमने गवाई है। आप ज़रा इस बात को नोटिस करें, किसी फॉरेन फंडिंग के लिए, किसी IMF के उसूल के लिए, किसी CPEC के लिए आप यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। आप इसको आपको उस चीज़ के इम्प्लिकेशंस को देखना होगा। एक मिलिट्री ऑपरेशन हज़ारों दहशतगर्दों को फिर जन्म देती है। वो लोग जो पुरमन होते हैं वो भी बंदूक उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। बच्चे अपने 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 रिश्तेदारों से दूर जाते हैं। खवातीन बेवा हो जाती है। बहनें जो है अपने भाइयों के लिए तरसती है। हर तरफ खून ही खून होता है। लोग बेघर हो जाते हैं। ये होते हैं इम्प्लिकेशन मिलिट्री ऑपरेशन के। तो मिलिट्री ऑपरेशन जो है ये समस्या का हल नहीं है। आप इस चीज़ के ऊपर गौर करें। और ये जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं ये सारे खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं। ये दहशतगर्दी का जो गढ़ बनाया गया है, किसने बनाया इस खैबर पख्तूनख्वा को? किसने खैबर पख्तूनख्वा को एक दहशतगर्दी के लिए गढ़ बनाया है? कहाँ से आते हैं ये लोग? कौन है ये लोग? कौन इसको फैसिलिटेट करता है? कौन इसकी परवरिश करता है? ये सारे बुनियादी सवाल हैं। और फिर हम मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं, एक के बाद दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन, दूसरे के बाद तीसरा मिलिट्री ऑपरेशन, तीसरे के बाद चौथा मिलिट्री ऑपरेशन। 8 मिलिट्री ऑपरेशन हुए, इनमें से 2 मिलिट्री ऑपरेशन
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सूबे में हुई है, ठीक है। आप इसकी दो दफ़ा एनपी की गवर्नमेंट थी, दो दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत थी वफाक में, दो दफ़ा पीपल पार्टी की हुकूमत थी, तीन चार दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत में ये मिलिट्री ऑपरेशन हुए। बिलाहिर जितनी भी पार्टी से जिसकी भी हुकूमत हो वो एक टेबल पे बैठ जाते हैं और मुंह तक उफ तक नहीं कहते कि जनाब ये मिलिट्री ऑपरेशन हल नहीं है। लेकिन जो लोग अपोजिशन में होते भी चीखते हैं चिल्लाते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन हल नहीं है, लेकिन वही लोग जब हुकूमत में आते चाहे सूबे में हो चाहे वफाक में हो, वही लोग इस मिलिट्री ऑपरेशन को अप्रूव करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। ये तारीख आपके सामने है, मुशर्रफ ने चार दफा मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं, पीपल पार्टी ने दो दफा मिलिट्री ऑपरेशन को अप्रूव किया है, नवाज शरीफ ने दो दफा अप्रूव किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबे में हुकूमत ही दो दफा इसने सपोर्ट किया है, एनपी ने दो दफा सपोर्ट किया है। तो ये ऑपरेशन किस तरीके से हुआ, तो ये सारे बुनियादी सवाल है। अब हमारे ऊपर एक दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन को लागू किया जा रहा है अज़्म इस्तेहकाम के नाम से। खुदारा इस चीज़ के बारे में सोचे, इन बेगुनाह लोगों के बारे में सोचे कि क्या ये मिलिट्री ऑपरेशन इस चीज़ का हल है या नहीं।